हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माजिद सर। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बहुपद का भाग बनाना सीखेंगे, यानी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। इस तरह से नंबर को पॉलिनोमियल कहते हैं और पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरह से किया जाएगा, आज के क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं वो झट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है, सबसे पहले अंदर में जो भी नंबर्स हैं इसमें सबसे बड़ा पावर जिसको है उसको ऊपर लिख देना है। तो सबसे बड़ा पावर किस पे है, इस पे है, 2x पे 3। तो हम 2x पे 3 ये पहला है लिख देंगे, और बाहर में एक्स को नीचे लिख देंगे क्योंकि इसका ही पावर कुछ नहीं था, यानी 1 है। 3 पे पावर तो है ही नहीं, तो एक्स पे पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, इसीलिए बाहर वाले भी जो सबसे बड़ा पावर था उसको नीचे लिख दिए, अंदर में जो सबसे बड़ा पावर था यानी ये उसको ऊपर लिख दिए। सबसे पहले हम ये दोनों का डिवीजन करेंगे, तब हम ये डिवीजन बनाएंगे। और डिवीजन बनाते समय आप इस तरह से, जिस तरह मैं अभी सिखा रहा हूं उस तरह से अगर आप रफ बनाएंगे तो आपको ये डिवीजन बनाने में और भी आसानी होगी। तो आप प्रोसेस को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, 2x³ बाय में x है, अब इसको डिवाइड किस करेंगे, 2 × x × x × x, और बाय में क्या हो गया, x, x x काट लें तो क्या बचा, 2x² क्या बचा, 2x² ये नहीं बचा। जो भी यहां कटने के बाद बचेगा उसको हम यहां ऊपर लिख देंगे 2x², ठीक है। अब 2x² लिखने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहां जो भी नंबर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहां 2 नंबर है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 नंबर आता है तो तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको करेंगे, इसको। तो चलिए मल्टीप्लाई इसको करके देखते हैं हम लोग, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 से, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x 1 से गुना करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, 2 × 1 = 2, एक्स यहां 2 है, एक्स यहां 1 है, तो x³ हो जाएगा पावर, ठीक है। 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x². अब हम 2x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ± 2 × 3 = 6, और x² है यहां कुछ नहीं है तो x² लिख देंगे, ये आ गया, क्या आ गया, 2x³ -6x². अब हम यहां लिख देंगे 2x³ -6x², ये नंबर आ गया जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको लिख दिए। अब हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिसे हम लोग डिवीजन बनाते समय नॉर्मल डिवीजन जो बनाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है कि सबसे पहले जो साइन है नीचे वाले लाइन में जो भी नंबर लिखे हुआ है उसका साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहां कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को साइन को चेंज कर क्या लिख देंगे, माइनस, और यहां माइनस है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप क्या कीजिएगा, बीच वाले साइन को एकदम भूल जाइए कि ये साइन है ही नहीं, इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस हो गया, अब माइनस नहीं है, इसके साथ क्या हो गया, प्लस, और इसके साथ अब प्लस नहीं रह गया, क्या हो गया, माइनस। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, यहां कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस, और यहां इसका साइन तो बदल के माइनस हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x³ में 2x³ को जब माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस, प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस, तो प्लस करेंगे, बड़ा के साथ प्लस का साइन है तो प्लस भी लिखेंगे, और 7 6 कितना हो गया, 13, 7 6 कितना हो गया, 13, और x² है तो x² लिख देंगे। ये जो x² है ये वेरिएबल है, ये ना इसको एड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो x² लिख दिए, ठीक है। ऊपर और नीचे वाला देखना है, प्लस 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 7 6 13, बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस लिखना है, x² का x² हो गया। अब डिवाइड बनाते समय नॉर्मल डिवाइड जब हम लोग बनाते हैं यानी भाग बनाते हैं, क्या करते हैं, घटाने के बाद एक नंबर ऊपर से नीचे उतार देते हैं, अभी भी वही करेंगे हम लोग, लेस कर लिए यानी घटा लिए, अब ऊपर से एक नंबर उतार लेंगे, -24x, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जो ये प्रोसेस यूज किया था वही स्टेप फिर से यूज करना है, वही प्रोसेस फिर से यूज करना है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस फिर यूज करते हैं। अब इसमें बड़ा कौन है, ये कि ये जिसके पे बड़ा पावर है,
तो इस पे है x पे 2 पे पावर, इस पे x पे पावर तो है नहीं यानी 1 है, तो बड़ा तो ये हुआ। ये ऊपर में लिखेंगे, ध्यान से दीजिएगा, बाय में क्या होगा x होगा। अब इसको भी वही करना जिससे इसमें फैक्टराइज किए थे, इसको भी फैक्टराइज कर दीजिए, तो 13 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि पावर है 2, इसलिए 2 टाइम्स लिखना है x, x x काट दिए, क्या बचा 13 इंटू एक्स यानी 13x, 13 इंटू एक्स यानी 13x। मैंने क्या कहा था यहां जो भी आएगा उसको ऊपर लिख देना, तो यहां क्या बचा 13x, आगे में कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा यानी प्लस 13x लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहां जो भी नंबर लिखाएगा उसको ये दोनों वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 13x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे 2 हो जाएगा, यानी x पे x इंटू एक्स इक्वल टू x पे स्क्वायर। ठीक है, अब 13x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 13 थ्री जा 39 और साथ में इसका x है तो यहां x लिख देंगे, तो क्या आया 13x स्क्वायर माइनस 39x। अब वही हम लोग यहां लिख देंगे 13x स्क्वायर माइनस 39x। अब हम लोग क्या करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का सबसे पहला रूल क्या बताए थे कि नीचे वाले साइन को उल्टा कर दीजिए, यानी कुछ नहीं है यहां आगे में देखिए, नीचे वाले लाइन को कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या था माइनस, और यहां माइनस है, माइनस को उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा प्लस। ठीक है, अब बीच वाले साइन को भूल जाना है, इसके साथ ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस भूल जाइए इसको। अब ऊपर और नीचे को करेंगे और सोल्व करेंगे, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 13x स्क्वायर में 13x स्क्वायर को जब हम माइनस करेंगे यानी लेस करेंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं, तो ये कट गया। और यहां माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए माइनस करते हैं, तो 39 में 24 गया तो बचेगा 15, यानी 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया तो 1। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देना है कि बड़े के साथ जो नंबर रहेगा, जो साइन रहेगा वही लिखना है, क्योंकि हम अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करते समय चाहे ऐड करते समय यानी जोड़ते समय या घटाते समय बड़े के साथ जो साइन होता है, बड़ा नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन लिखना है। तो यहाँ 24 छोटा नंबर, इसके साथ क्या है माइनस है तो नहीं लिखेंगे, 39 जो बड़ा नंबर है इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, ये साइन नहीं है, ये साइन चेंज हो चुका है, क्या है प्लस का, तो बड़ा के साथ जो साइन है वो साइन लिख देना है यानी प्लस लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हुआ घटा देंगे, लेकिन बड़ा के साथ जो साइन है वही लिखना है, और साथ में एक्स भी लिखाएगा क्योंकि एक्स वेरिएबल है, हम इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। अब घटाने के बाद क्या है, एक डिजिट फिर नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यही प्रोसेस को दोबारा करेंगे, दो टाइम कर दिए, 3 टाइम्स करने वाले हैं। आप सिर्फ प्रोसेस को ध्यान से अगर समझ लिए तो आपको ये भी प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ये प्रोसेस भी आसानी में समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर करने जा रहे हैं, तो ये 15x है तो यहाँ 15x लिखेंगे, और बाहर में क्या है अभी भी x को करना है, तो x और x काट दीजिए, क्या बचा सिर्फ 15, क्या बचा 15, तो जो भी यहां आता है वो उसको यहां लिखना है, तो साइन कुछ नहीं है तो यानी प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन साइन कुछ नहीं है यानी प्लस है, तो प्लस 15 लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्लस 15। ठीक है, अब करें क्या करेंगे, यहां जो भी लिखेंगे उसको ये दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 से, तो क्या हो जाएगा 15 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस हो तो माइनस, अब 15 थ्री जा 45, क्या आया 15x माइनस 45, यहां लिख दीजिए उसके नंबर के नीचे 15x माइनस 45। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, तो घटाने का रूल क्या है, सबसे पहले नीचे वाले साइन का, नीचे वाले लाइन का साइन चेंज कीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, यहाँ माइनस है इसका अपोजिट प्लस, अब प्लस माइनस माइनस सेम नंबर था कट गया, यहां भी प्लस माइनस माइनस है सेम नंबर है कट गया, क्या बचा 0, यानी 0 जो बचा वो हमारा शेषफल हुआ यानी रिमाइंडर हुआ, और ये जो आया ये हमारा भागफल है यानी ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से
आप किसी भी बहुपद का यानी पॉलिनोमियल का डिवीजन बना सकते हैं। इस प्रोसेस को ध्यान रखेगा और इसी तरह से दूसरे भी प्रश्न जितने भी हैं पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आप सोल्व करने का कोशिश करें। वीडियो अगर पूरा देख चुके हैं तो आशा है आप डिवीजन भी बनाने सीख चुके हैं।